प्यारे बच्चों, इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। हमारे सामने प्रमेय 9.2, थ्योरम 9.2। स्टेटमेंट क्या है? एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज अक्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हमारे पास दो त्रिभुजें दी हुई हैं जो एक ही आधार पर हैं और दो समानांतर रेखाओं के बीच में हैं। मान लीजिए ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ये है हमारे पास बी डी सी, और इसको हम मान लेते हैं पी क्यू। पी क्यू पैरेलल बी सी, दो त्रिभुजें हैं हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, सेम आधार पर है, समान आधार पर, और दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो हमें दिया क्या है, पहले ये लिखते हैं हम, दिया है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीबीसी समान आधार बीसी तथा पीक्यू समानांतर बीसी रेखाओं के बीच स्थित हैं। सिद्ध क्या करना है हमें? कि इन दोनों त्रिभुजों का अक्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं सी ई। तो अब ये क्या बन जाएगी हमारे पास, एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। रचना की हमने अपनी तरफ से सी ई पैरेलल ए बी की रचना की, उपपत्ति मीन्स प्रूफ। अब ध्यान दीजिए, हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ये मेरा समानांतर चतुर्भुज है और इसमें एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का अक्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि ये समान आधार के ऊपर है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई, ए बी सी ई समान आधार बी सी तथा पी क्यू समानांतर बी सी रेखाओं के बीच है। और ये हम प्रमेय कर चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी ई, ए बी सी ई के इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेम प्रोसेस हम त्रिभुज डी बी सी और इस समानांतर चतुर्भुज के साथ करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी तथा बाकी सेम चीज आएगी, समांतर चतुर्भुज यहां पे भी हम ए बी सी ई ही ले रहे हैं, ए बी सी ई समान आधार बी सी तथा पी क्यू पैरेलल बी सी रेखाओं के बीच है। तो यहां पे भी हम वही रिजल्ट लेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी ई। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, 2 मान ली।
अब दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड हमारी क्या है, बराबर है, एक बटा दो एरिया ए बी सी, एक बटा दो एरिया ए बी सी। अगर राइट हैंड साइड बराबर होंगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, इसलिए फ्रॉम वन एंड टू, एक व दो से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, यही हमने प्रूव करना था। हैंस प्रूव, तो बहुत ही आसान सी थ्योरम थी। अगर हमें रिजल्ट्स पता हैं तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।